स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल सब्जेक्ट जीके ऑफ क्लास थर्ड, चैप्टर नंबर 38। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लांट्स अराउंड अस, मतलब प्लांट्स जो हमारे चारों ओर हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो इसको आपको क्या करना है, रीड करना है और फिलिंग द ब्लैंक्स जो दिया गया है उसमें करेक्ट वर्ड आपको फील करना है। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला फिलिंग ब्लैंक्स जो है वो है द जूस ऑफ रबर ट्री इज कॉल्ड, मतलब रबर ट्री का जो जूस निकलता है, जो इसमें से ये निकलता है जूस, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेटेक्स। क्या बोलते हैं, लेटेक्स। ओके, नाउ सेकंड इज डैश इज अ स्पाइस दैट वी गेट फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, मतलब ये एक स्पाइस है जो कि हमें ट्री के बार्क से, मतलब उसके छाल से हमको प्राप्त होता है, मतलब मिलता है। तो ये क्या है, ये है सिनेमन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थर्ड नंबर इज द जापानीज मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डैश, मतलब ये एक जापानी मेथड है जिसके कारण क्या होता है, जो ट्री का ग्रोथ है, मतलब ट्री का जो साइज होता है, आप जानते हैं हमारे यहाँ ट्री कितने बड़े बड़े होते हैं, तो उसका क्या होता है, उसके ग्रोथ को क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब आप किसी पॉट में देखिए, ये एक पॉट में इसको उगाया गया है जबकि ये ट्री है, ठीक है। तो इस तरीके का जो मेथड है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बॉन्सेई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर डैश ट्री हैज़ अ लवली स्मेल, मतलब ये एक ट्री है जिससे बहुत ही प्यारी मीठी सी सुगंध आती है, तो वो है सैंडलवुड, मतलब चंदन की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही बढ़िया, मतलब इसमें से क्या आती है, स्मेल आती है। ओके, फिफ्थ नंबर इज चॉकलेट इज मेड फ्रॉम द सीड ऑफ द डैश ट्री, मतलब जो चॉकलेट है वो किसके सीड से बनता है, ये कोकोआ एक ट्री है उसके सीड से चॉकलेट बनता है। ओके, सिक्स नंबर पे है डैश इज मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ अ ट्री, मतलब क्या चीज ट्री के पल्प से बनता है, तो वो है पेपर। पेपर जो है वो ट्री के पल्प से, गुदा से बनता है। ओके, अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। बी नंबर है नेम द फॉलोइंग, ठीक है। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द दो आउटर स्किन ऑफ अ ट्री, मतलब ट्री का जो आउटर स्किन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बार्क, छाल। वही क्या करता है, ट्री को प्रोटेक्ट करता है बाहर से, मतलब बाहर की चीज़ें, हार्मफुल चीज़ें अंदर ना जाए, इंसेक्ट्स अंदर ना जा पाए, इसकी वजह से जो बार्क होता है वो उसे सेफ, मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज़ द मेन स्टेम ऑफ अ ट्री, ट्री का जो मेन स्टेम, मतलब मेन तना होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ट्रंक। ओके, नाउ थर्ड नंबर इज अ मेडिसिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, एक मेडिसिन जो कि एक ट्री के बार्क से प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्यूनाइन। ओके, क्या बोलते हैं, क्यूनाइन। नाउ फोर्थ नंबर इज वुड दैट इज यूज फॉर बिल्डिंग पर्पज, तो एक वुड ऐसा है जो कि हमें, मतलब किसी चीज़ को बनाने के पर्पस से उस वुड का यूज़ किया जाता है, तो वो होता है टिम्बर। ओके, सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।